नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कांसे की धातु से बने हुए पात्र में दीपक यदि हम अलग अलग रंग की बत्ती का जलाते हैं तो उसके क्या चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं, वह आपको आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। अत्यंत ही दुर्लभ, जो आप कई उपाय करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह परिणाम आप सिर्फ कांसे के पात्र में अलग अलग रंग की बत्ती का दीपक जलाकर प्राप्त कर सकते हैं। बताया गया है कि किसी भी बुधवार से या गणेश चतुर्थी के दिन से कांसे की धातु से बने हुए पात्र में दीपक जलाना प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप इसमें लाल रंग की बत्ती, कलेवा या किसी कपड़े की बत्ती बनाकर दीपक जलाते हैं, किसी भी तेल से आप जलाइए, तो उसका जो शुभ परिणाम प्राप्त होता है, आपके घर के जो मंगल कार्य रुक गए होते हैं, शुभ कार्य वह शुरू होने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, कोई कार्य रुक आदि गया है, तो उसमें गति मिल जाती है, वह प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। दूसरा बताया गया है, पीले रंग की बत्ती का इस्तेमाल करते हुए यदि आप दीपक जलाते हैं तो ये घर में बुद्धि का विकास करती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, दूसरा घर को ऋण मुक्त बनाता है, घर में जो अशांति आदि दरिद्रता का वास होता है उसको पीले रंग की बत्ती दूर करती है, और कोई ना कोई शुभ कार्य भी पीली बत्ती का दीपक जलाने से घर में अवश्य ही बड़ा कार्य होता है। तीसरा बताया गया है, काले रंग की बत्ती का दीपक जलाने से यह दरिद्रता नाशक के साथ साथ शत्रु नाशक और कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि किसी को कोई मुकदमा संबंधित समस्या है, बाहरी समस्या है, तो वहां पर को मुक्ति दाता है। इसके अलावा यह भी घर में शांति का प्रतीक है, काले रंग की बत्ती का दीपक जलाना। इसके अलावा सफेद रंग की बत्ती के दीपक के बारे में बताया गया है कि यह सदा सर्वदा सुखदायी है। सफेद रंग की बत्ती का दीपक आप हमेशा ही अपने घर में जलाते रहिए। तो कांसे के पात्र को ज्यादा महत्वता दी गई है, तो कांसे के पात्र में यदि आप सफेद रंग की बत्ती का दीपक भी जलाना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में कुछ न कुछ शुभ अवश्य ही होगा, दुख दारिद्र कष्टों का नाश अवश्य ही होएगा। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुध ग्रह से संबंधित जो समस्या आप लोगों के जीवन में जुड़ी हुई है वह सिर्फ और सिर्फ कांसे के पात्र में दीपक जलाने से भी दूर हो जाती है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो बहुत ही चमत्कारिक और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है हम लोगों से संबंधित यह कांसे के पात्र में दीपक को जलाना। अक्सर हम लोग भी जलाते हैं, कभी कभी कोई गंभीर समस्या को देखते हुए ऐसा करना पड़ता है। तो आप लोग भी अपनी समस्याएं या कभी जीवन में ऐसा मौका मिले तो अवश्य ही कांसे के पात्र में दीपक जरूर जलाइए। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के वीडियो हैं, जरूर देखिए। पसंद आए तो बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।